नमस्कार, मैं हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरुमंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत है गुरुमंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। शराब को हमारे समाज में हमेशा से ही गलत माना गया है, पर उसके बावजूद भी कई लोग शराब पीते हैं। और शराब एक ऐसी लत है जो एक बार लग गई तो इतनी आसानी से नहीं छूटती। पर क्या आपको मालूम है कि शराब का शनि से गहरा ताल्लुक होता है, और तो और भैरव को शराब भी चढ़ती है। तो आज गुरुदेव से हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। शो की शुरुआत करूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां गुरुदेव से आप अपने सवाल भी कर सकते हैं, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर, इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और साक्षात मिल करके सवाल करना चाहते हैं, प्रश्न करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर हमें कॉल करें। इससे पहले आगे बढ़े जान लेते हैं मेष वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज आप बड़ों का आदर करने में अग्रणी तो रहेंगे ही, कामकाज में भी आपके काफी शुभ फलों की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य के प्रति की गई लापरवाही आपको तकलीफ देह साबित हो सकती है और धन का दुरुपयोग करने से बचे। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन खट्टा मीठा है, कामकाज में अच्छा लाभ होगा, घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी होना संभव है, परंतु आज अपने क्रोध की मात्रा न बढ़ने दें, थोड़ा संयम रखें, वरना खामखाई का विरोध उत्पन्न होगा और जिसमें तकलीफ हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन पूरा उत्तम नहीं है। आप जो भी काम करेंगे उसमें पूरा दिल लगा करके काम करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, परंतु घर में धन या स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आ सकती है, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, और स्वभाव में अगर नरमी बना के रखेंगे तो दिन अच्छा गुजरेगा, नहीं तो ये दिन बुरा भी हो सकता है। गुरुदेव, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं उसी से संबंधित पहला सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि शराब जिसको हम अपने समाज में इतना बुरा मानते हैं, उसे हम भगवान पे क्यों चढ़ाते हैं? जैसे मैंने सुना है कि उज्जैन में भैरव पे शराब चढ़ती है, ऐसा क्यों? पहली बात तो बेटा मैं तुम्हें ये बता दूं कि इस धरती पर जो भी चीज है वो कोई भी बुरी नहीं है, और चाहे वो शराब हो, चाहे वो मल हो, या जीवन के अंदर खान पान से संबंधित अच्छी या बुरी कैसी भी चीज है, धरती पर जो चीज होती है बेटा उसके अंदर एक खास ताकत होती है, और हमें कौन सी ताकत कब चाहिए, बस ये डिसीजन और ये जरूरत तय करती है कि कौन सी चीज अब अच्छी बनेगी। एक बड़ी पुरानी कहावत है बेटा, उसके लिए कहते हैं, या ये कह लो कि हकीम लुकमान ने ये कहा था कि जहां दवा काम ना आए वहां दारू काम आती है, यानी कि जब किसी का मर्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए और दवाइयां असर ना करें वहां पर शराब इंसान को ठीक कर सकती है। इसलिए हमारी लाल किताब के अंदर भी है, उसके अंदर भी कहा गया कि शनि जिसके चौथे घर में है और उसको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी पकड़ती है और वो ठीक नहीं हो पाता, तो उसे थोड़े दिन तक ब्रांडी के दो चम्मच दे दो, वो ठीक हो जाएगा। समझिए, तो शराब बुरी कहां है? शराब बुरी बिल्कुल नहीं है, समझे? शराब का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं वो उसको बुरा बना रहे हैं कि वो हर वक्त में नशे में रहना चाहते हैं। ठीक है, रही बात भैरव जी की, तो ये भैरव जी जो छांव के अंधेरे के देवता है, शराब बनती कहां से है, शराब बनने का तरीका क्या है? यहां पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो जो कई तरह के फल फ्रूट और कई चीजें मिला के एक मटके में डाल के उसको जमीन में दबा देते हैं, तो अंदर क्या है? अंधेरा, और जहां अंधेरा होगा वहां भैरव जी है। ठीक है, फिर जो बहुत बड़ी कंट्री भी एक शराब सप्लाई वाली है वो कौन सी है, जहां पर इतनी बड़े ब्रांड की शराबें भी आती है, वो क्या करते हैं?
वो भी ड्रमों के अंदर ये सारी चीजें भर के उनको सील करके समुन्द्र की गहराइयों में फेंक देते, यानी कि फिर अंधेरे में। तो समुन्द्र की गहराइयों में जहां अंधेरा वहां क्या है, भैरव जी, समझ गए। तुमने कहा उज्जैन के अंदर श्री बटुक जी को शराब चढ़ती है, बिल्कुल चढ़ती है। कारण यह है कि शराब सही मायने में बहुत सारे हिस्सों में जीवनदायिनी भी है, और जीवनदायिनी जो भी चीज होगी उसको हमारे ऋषि मुनियों ने इस धरती पर उसको देवता का स्वरूप दिया ही दिया है, ठीक है। तो पहली बात तो वहां पर भैरव जी हैं, समझे, तो उनके लिए श्रद्धा भाव ये अपनाया गया। शराब उनको इसलिए चढ़ाई गई वहां पे कि वहां इंसान को याद रहे कि ये देवता के रूप में ये है, इसको पी करके अपना अपने घर वालों का सत्यानाश मत करो, रोज पी के ये पूजनीय चीज है, इसको कभी कभी प्रसाद स्वरूप लेना, दवाई के रूप में लेना आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन इसको अगर शराब के रूप में पियोगे तो ये महादुखकारी भी होगी। और वहां भैरव जी का चढ़ाने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें बताता हूं कि बेटा मेरे गुरु जी श्री जसवंत राय जी फरवाला में रहते थे, बेटा उनको ना समय समय पर पैरालिटिक अटैक आता था। तो जब भी पैरालिटिक उनको अटैक आता था तो उनके रोस पड़ोस वाले या जो बैठे उनको गाड़ी में डालते थे, तो लुधियाना सीएमसी तक लेके जाना होता था उन्हें। तो रास्ते में मेरा अपना कस्बा आता है फिलौर, जहां का मैं हूं, तो उसके मोड़ के ऊपर कई शराब के ठेके होते थे, तो वहां पर वो रुकवाते थे। वहां रुकवा के कहते थे कि भाग के एक शराब की बोतल पकड़ के लेके आओ। अब उनको पैरालिटिक अटैक आ रहा है, वो अपने साथ वालों को कह रहे हैं भाग के शराब की बोतल लेके आओ, और वो लेके आते थे। और जैसे ही उसके आगे चलते हैं तो लुधियाना से पहले आता है सतलुज नदी पुल आता है, तो पुल के ऊपर गाड़ी रुकवाते थे और कहते थे मेरे को लेके चलो जरा वो बनेरे तक। वहां जाते थे, वो ढक्कन को खोलते थे, खोल के उसके अंदर ऐसा से देखते थे और देख के शराब डाल देते थे। और जब वो सीएमसी पहुंचते थे, डॉक्टर चेक करने लगते थे, वो कहते इनका तो पैरालाइज ठीक हो गया, इनका तो पैरालाइज ठीक हो गया। वो इस तरह से अपने जीवन काल के अंदर 3-4 बार सीएमसी तक गए और वापस आए, लेकिन एक शराबी बहाने से वो ठीक हो जाते थे, ठीक है। तो यानी कि इतनी बड़ी तकलीफें जो इलाज के काबिल नहीं, वो एक भैरव जी को शराब अर्पण करते ही ठीक भी होती। तो भैरव जी को आज की डेट में श्रद्धावश सब लोग जा जा करके शराब चढ़ाने लग गए हैं, तो भैरव जी तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वहां पर वो काम कौन कौन सा करते हैं। अगर आपको लाइलाज बीमारियां हैं, आप भैरव जी को जाके शराब अर्पण करो, आपकी बीमारियां जाएंगी। आपकी मानसिकता ही ऐसी है कि आप किसी के साथ मेल बर्ताव नहीं रखते, आप किसी के साथ मिलकर के चलना नहीं चाहते, घर के अंदर कलेश करी रखते हो, आप शराब लेकर के जाके भैरव जी को चढ़ाइए, आपकी यह मानसिकता बदलेगी, समझे। और जो लोग जिंदगी के अंदर मेहनत नहीं करना चाहते, जिनके ऊपर आलस हावी हो गया है, जो कुछ करना नहीं चाहते, उनसे भैरव जी के ऊपर शराब अर्पित करवाइए, देखिए उनका आलस कैसे भागता है, समझे। और वो जो भैरव जी हैं बेटा, वो लोगों का दुख हरने के लिए है। उनके मुंह में जब शराब डाली जाती है तो कहां चली जाती किसी को नहीं पता, तो वो सही मायने में शराब नहीं पीते भैरव जी, वो तुम लोगों का दुख हरते हैं, तुम्हारे दुख पी के तुम्हें सक्षम बनाते हैं, और तुम्हारे दुखों को वो अपने साथ ही ले जाते हैं। तो इसीलिए अगर उज्जैन में भैरव जी पे शराब चढ़ती है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों को पता होना चाहिए कि शराब चढ़ानी किसको है और किस वजह से चढ़ानी है। तो इस चीज को समझो, और जिनको जरूरत है वो भैरव जी पे शराब जरूर चढ़ाओ। गुरुदेव, मैं ये सोच रही थी तब से, फिर क्या शराब नशा है या भक्ति है? शराब जो लोग इसे रोज पीते हैं और शौक के लिए पीते हैं, उनके लिए ये नशा है, और नशा हमेशा ही खराब होता है। और जो लोग इसे वाकई ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये भक्ति है, श्रद्धा भाव की चीज है। और
शराब भी दो तरह के हिस्सों की बन जाती है। जैसे हमारे बटुक भैरव, बटुक भैरव यानी कि शुभ भैरव यानी कि शनि शुभ, और दूसरे है काल भैरव, काल भैरव यानी कि अशुभ शनि। समझे, जो दुख तकलीफ क्लेश ये सब कुछ बल्कि जिनके कारण होता है। तो बात क्या है, जिनका शनि शुभ है वो पहले तो शराब लेते नहीं, अगर वो ले भी रहे हो तो उसके बाद में बेटा उनको वो एक तरह के ऐसे हिस्से में जाके लगती है जहां नुकसान नहीं देती। लेकिन जिनका खराब शनि है, जिनका खराब शनि है, वो जैसे ही शराब पीते हैं वो पूरे एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने घर को सर पे उठा लेते हैं, अड़ोस पड़ोस से लड़ाइयां करते हैं, बहुत गंदी शरारतें करते हैं, लोगों के सर दर्द बन जाते हैं वो लोग, समझे। तो वो होते हैं काल भैरव, उनके ऊपर हावी होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर बेटा ये श्रद्धा भाव में अगर इनको रखा जाए, इनको भक्ति भाव में रखते हुए शराब को अगर किसी खास ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत उत्तम है, यानी कि बटुक भैरव जी को। और इसको नशे के रूप में अगर इस्तेमाल किया तो काल भैरव बन के हो सकते हैं कि आप किसी और के दुख का कारण बने, नहीं तो अपने दुख का कारण तो आप रोज बनोगे। तो यही है बेटा श्री शनिदेव। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए दिन आज छुट्टी जैसा दिन रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी, पढ़ाई लिखाई में पूरा मन नहीं लग पाएगा, गृह जीवन में भी निरस्ता वाले हालात देखने को मिलेंगे, परंतु मित्रों का संग आज अच्छा महसूस करोगे। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए कामकाज तो आज अच्छा चलता रहेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं, और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको परीक्षा और प्रतियोगिता दोनों में कोई खास अच्छे परिणाम मिलने के आसार नहीं है आज। कन्या, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत उत्तम है, कामकाज भी बहुत अच्छा बना रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मित्र और परिवारों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे, यात्राएं भी हो सकती हैं। गुरुदेव, एक और सवाल है, और काफी समय से मेरे दिमाग में सवाल था कि कोई गरीब अगर शराब पिए तो वो तो गलत है, पर कोई बड़ा अमीर उद्योगपति शराब पिए तो वो सही, ऐसा क्यों? बड़ा अलग सवाल है तुम्हारा। सच बात है बेटा, गरीब गरीब क्यों होता है पहले ये बताओ। गरीब इसलिए गरीब होता है बेटा क्योंकि उसकी मानसिक क्षमताएं इतनी ज्यादा नहीं है कि वो किसी भी चीज को बहुत गहराई से सोच के उसके लिए प्लान बनाए, रिसर्च करे और करके उसको एग्जीक्यूट करे और मीठेपन में एग्जीक्यूट करके अपनी जिंदगी के अंदर ऊंचे स्तर को प्राप्त कर ले। लेकिन बहुत सारे घरों के बच्चे भी ऐसे हैं कि जो पैदा जरूर गरीब घर में होते हैं लेकिन वो बढ़ती उम्र के साथ साथ अपनी सोच को इतना बड़ा बनाते हैं और बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, उसके लिए कोशिशें करते हैं, उसके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, और मीठेपन में बिना किसी से लड़े सबका साथ लेते हुए, मीठेपन में सबको साथ जोड़ते हुए जिंदगी के अंदर इतने बड़े काम कर जाते हैं कि खानदान के नाम का सितारा बन जाते हैं और सब कुछ कमा जाते हैं। अब तुमने कहा कि ये गलत क्यों। जिस इंसान के पास प्रॉपर पूरी समझ नहीं है, जो अच्छे और बुरे का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रख पा रहा, जिसको जीवन चलाने की कला का ज्ञान नहीं है, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे कर्म और अच्छी थिंकिंग नहीं रख पा रहा, बेटा उसको तो शराब क्या है, शराब जैसे ही अंदर जाती है तो उस गुण को बढ़ाती है, उसका ये काम है। तो वो क्या होगा कि उस आदमी के पास जो पहले ही अकल ज्यादा नहीं है, समय या ज्ञान ज्यादा नहीं है, तो वो उस चीज को बढ़ाता है, उसको फिर उसमें मजा आने लगता है, वो अपने आप को सुलाने के लिए, अपने कामों को खराब करने के लिए वो उसको इस्तेमाल करने लगता है, बस वहीं पे काम खराब हो जाता है। पहले तो वो कुछ ना कुछ करके अपने घर के लिए कमा रहा है, अपने जीवन को किसी न किसी तरह से चला रहा है, लेकिन ये शराब पी के वो अपने आप को और खराब पे खराब करेगा। तो इसीलिए
गरीब आदमी को सच में शराब पीने का हक नहीं, क्योंकि जो पीते हैं वो और ज्यादा पीते हैं बेटा, वो अपने घरों को, अपनी कमाई को, अपने शरीर को, सबको खराब कर रहे हैं। ठीक है, रही बात तुमने कही अमीरों की, हाँ पीते हैं, लेकिन वो वाकई में जिस समय के ऊपर थोड़ी बहुत लेते भी होंगे बेटा, अब अमीरों की हाँ पीते हैं, लेकिन वो वाकई में जिस समय के ऊपर थोड़ी बहुत लेते भी होंगे बेटा, अब उनके अंदर पहले ही काम करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, किसी भी सोच विचार को बहुत ज्यादा देर तक सोच के उसको एग्जीक्यूशन की ताकत उनके अंदर होती है। जब वो थोड़ी बहुत ये पीते होंगे, मेरे हिसाब से यही है कि उनकी वही ताकत थोड़ी और पड़ती है, थोड़ी और पड़ती है। तो पंजाबी में कहावत है, किसे लिए मां बादी दे किसे लिए स्वादी, मां यानी कि उड़द की दाल, वो भी शनि की ही होती है। तो बेटा ये बात सत्य है, तो शराब किसी के लिए तो बिल्कुल जहर है, तो किसी के लिए वो अमृत भी हो सकती है। तो जो कामयाब अपने ही बलबूते हुआ हो बेटा, अगर वो कहीं कुछ लेता भी है तो शायद उसके लिए इतनी बुरी नहीं, लेकिन जो नाकामयाब है अपनी लाइफ में, उसके लिए इससे बड़ा जहर धरती पे नहीं हो सकता। इससे वो दान करके, जल प्रवाह करके, भैरव जी पे चढ़ा के अपने दुखों को तो खत्म कर सकता है, लेकिन उसने अपने मुंह में डाली तो उसके बड़ा जहर कोई नहीं। ठीक है, और अमीर आदमी जो अपना ही कमा के बड़ा हो गया है, जिसने अपनी ही मेहनत से अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ाया है, अगर वो भैरव जी पे शराब चढ़ाएगा तो हो सकता है उसकी समृद्धि उसके पास से चली जाए, क्योंकि उसके ऑरा का मेन गुण है उसका पॉजिटिव शनि। जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, इंडस्ट्रियस्ट है, वो सारे के सारे शनि प्रधान है। अगर वो लोग शराब जाकर के चढ़ाएंगे तो उनके कामकाज का मामला ही खराब हो जाएगा। और जो दुखी है, बीमार है, रोगी है, छोटी मानसिकता का है, जिसको ज्ञान पल्ले नहीं पड़ता, जो कभी अपने जीवन को चला पाया, वो जितनी शराब चढ़ाएगा वो जीवन में उतनी ही खुशहालियों की तरफ और बढ़ता चल जाएगा, क्योंकि उसकी अकल का दायरा और खुल जाएगा। तो बेटा ये कारण है कि गरीब क्यों नहीं पी सकता और अमीर क्यों पीते हैं। अब समय हो गया है हमारे दर्शकों से सवाल लेने का, अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। नमस्कार गुरुजी, खुश है बेटा। मैं आपके फादर के बारे में पूछना चाहती हूँ। हाँ, बता बेटा। 26/11/1960 7:58 शाम के, 19:58 शाम के, जैतो मंडी पंजाब, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट कह सकते हैं आप। हाँ जी गुरुजी, एक तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना घर का, ना ही कोई मतलब किसी चीज का कोई सुख नहीं है। ठीक है, और घर में बहुत ज्यादा कलेश रहता है हमारे। इनको गुस्सा कितना आता है बेटा? हद से ज्यादा, मतलब एक मिनट में ऊपर पहुंच जाते हैं ये। बेटा इनकी कुंडली के अंदर एक योग है कि इनके साथ काम करने वाले, चाहे वो रिश्तेदार हो या गैर, इनको खा पी के सब चट कर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, इनकी कुंडली के अंदर योग है कि इनका बस चले तो ये किसी का कत्ल भी करते हैं, इतना गुस्सा। बिल्कुल, ये तो मतलब किसी से नहीं बनती इनकी। हाँ, और तीसरा, इनकी कुंडली के अंदर इतना अच्छापन परमात्मा ने दिल का भी दिया कि जब ये नॉर्मल हो तो भले इनके कपड़े भी उतरवा लो। हाँ, दिल के बहुत अच्छे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अब परमात्मा ने बड़ा अजीब सा सीन बना दिया बेटा। तो इस सीन के अंदर होना क्या है, एक तो कलेश, दूसरा अपने आप को लुटाना, और जिसको लुटाने की आदत हो वो खुद तो कमा ही नहीं सकता ढंग से, क्योंकि इमोशनल पर्सन होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं होता। तो सबसे पहले हम इन कमियों को ठीक करते हैं बेटा। इन कमियों को ठीक करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके उसको वीरान जमीन में दबाओ बहुत बार, और अपने पिताजी को कहो कि एक बार ये शुरू करें कि हर रोज अपने बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर के चढ़ाएं और गीली मिट्टी का तिलक लगाएं। ये भी हो रहा है गुरुजी। हाँ, अभी बीच में मत बोल, बाद में बताती हूँ, ठीक है। और तीसरा बेटा, घर की छत के ऊपर एक लोहे की तार बांधनी है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर लोहे की तार बांधनी है, भले उसके ऊपर बाद में कपड़े भी सुखाते रहे, और घर की छत के ऊपर ये एक त्रिशूल लगना चाहिए। और कामकाज को दोबारा शुरू करने के लिए एक लोहे की डिब्बी के अंदर काली मिर्चे और गाय का घी भर के उसका ढक्कन बंद करके 43 दिन मंदिर में देना है, और हर बृहस्पतिवार को 4 पीले नींबू, वो भी मंदिर के अंदर रखने हैं, ठीक है।
ये ही उपाय हैं जो सही मायने में इनको इमोशनलपन को हटा के पूरी अकल दे के इनके पास से कामकाज कराएंगे। अब ऐसी अवस्था में सूर्य पांचवें स्थान पर लेकिन तुला राशि का, तो मैनेजमेंट से संबंधित किसी भी तरह के काम हो, किसी भी तरह के लोगों की भलाई के काम भी साथ में अगर हो तो ये इंसान बहुत तरक्की करता है, समझे। तो सही मायने में तो इनको शुरुआत से करना क्या चाहिए था, दवाइयां बेचने का काम, भले मेडिकल स्टोर होता, समझे, या और इस तरह के काम जो लोगों की भलाई के लिए है। अगर ये स्वयं भी आयुर्वेद आचार्य होते तो बहुत उत्तम था, लेकिन अब भी तुम्हें काम कुछ ऐसा ही देखना चाहिएगा चाहिए कि जो ये लोगों को लिए कुछ करे और उसके अंदर इनको सुकून भी मिले और उससे कमाई भी हो, तो इस तरह के कामों को ढूंढना बहुत जरूरी है पहले आम काम के लिए। और अगर कुछ नहीं तो भवन निर्माण से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, चाहे मटेरियल होते हैं, उनमें से किसी भी चीज का काम कर ले, इनका जीवन उत्तम चलेगा। और दूसरी बात गुरु जी, मतलब मेरा भाई है, एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, मेरे पापा और मेरा भाई, मतलब देखना दूर दूर तक तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। दोनों के गले में तांबे का छेद वाला पैसा सफेद धागे में वो पहना दो, और ये जो पीले नींबू वाला उपाय किया कहा है ये सालों साल बंद मत करना, बाप बेटा हमेशा ही इकट्ठे रहेंगे, ओके। और गुरुजी प्रॉपर्टी कभी बन पाएगी मेरे पापा की? नींबू वाले उपाय से ही। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत थैंक यू। दाता से वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे आने के बाद हम बात करेंगे शनि और शराब के बीच के संबंध के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं शनि और शराब के बारे में। इससे पहले आगे बढ़े, तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए भी आज का दिन खट्टा मीठा है। कामकाज में किसी के सहयोग से सफलता प्राप्त होगी, वरना पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए आज का दिन पूरा ज्यादा उत्तम नहीं है, और स्वास्थ्य में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना करें तो रुपए पैसे में बरकत रहेगी, परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने की संभावना भी बन सकती है, और कामकाज के प्रति नया उत्साह मन में बना रहेगा। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। आज भाग्य का आपको साथ प्राप्त होगा, हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और जिम्मेवारियों का निर्वाह बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। गुरुदेव, अब कुंडली से संबंधित एक सवाल है कि जो शराब है इसका शनि से क्या संबंध है, अगर कुंडली के नजरिए से हम बात करें। कुंडली के नजरिए से अगर हम बात करें तो शनि और चंद्र का मेल ये शराब होता है, और शनि और चंद्र को कहा जाता है कुंडली में तैरता हुआ घर, जो पानी के ऊपर तैर रहा है। तो शराबी का क्या हाल होता है? शराबी जब नशे में हो जाता है तो गरीब आदमी भी रईस बन जाता है। अरे तेरे को मैं ये दे दूंगा, तेरे लिए मैं ये कर दूंगा, तेरे लिए वो कर दूंगा, और बिल्कुल सिंगल हड्डी होते हुए भी वो अपने दोस्त को कहता चल जरा, कहता 10 जने तो क्या हुआ, सबको मार के आएंगे। यानी कि बुद्धि को स्टेबल नहीं रहने देती। तो जन्म कुंडली के अंदर बेटा जो इंसान अपने सही वजूद को नहीं पहचान पाते वो होते हैं शनि चंद्र के मेल के इंसान, जो अपनी गृहस्थी को भी अपनी दोहरी मानसिकता के कारण कभी बनाते हैं कभी बिगाड़ते हैं, वो होता है शनि चंद्र का मेल। और जो लोग हमेशा दोराहे पे खड़े रहते हैं, चाहे जीवन साथी के सुख को लेकर के, कमाई के सुख को लेकर, यार दोस्ती के सुख को लेकर के, और किसी भी चीज को लेकर हमेशा दोराहे पे खड़े रहते हैं, शनि चंद्र का मेल होता है। यानी कि उन्होंने पी तो नहीं होती पर उनके ग्रहों ने ही उनको पिलाई हुई होती है, और उनकी मानसिकता हमेशा दोरेपन पे रहती है। तो इसीलिए बेटा जन्म कुंडली के अंदर शनि चंद्र के मेल का इलाज जरूर करना चाहिए, वरना इंसान कभी जिसने शराब देखी भी ना हो वो भी शराबी ही रहता है। ठीक है, तो ये जरूर करना चाहिए। अब यहाँ बात हुई है तो मैं इसका उपाय भी बता देता हूँ। ठीक है, जिनके भी जन्म कुंडली के अंदर शनि चंद्र का मेल हो उन्हें दूध के अंदर शहद डाल के जरूर पीना चाहिए। ठीक है,
जिनकी भी कुंडली के अंदर शनि चंद्र का मेल हो उनको भूल के भी अपने जानवर जो घर में पाले जाते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भैंस हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, वो कभी दो रंग का नहीं होना चाहिए, सिंगल कलर में रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को शराब से सख्त दूरी बनानी चाहिए। सूर्य अस्त के बाद यानी कि जब शनि का समय रात्रि आ जाए उनको दूध नहीं पीना चाहिए। और इसके अंदर दूध के अंदर शहद डाल के अगर वो हर हफ्ते ही मंदिर देते चले जाएंगे तो शनि चंद्र के मेल से वो भी छुटकारा मिलेगा। और वैसे सबसे उत्तम उपाय तो इसका ये है कि शनि के चंद्र के बीच में बुध को ले आओ साथ। और उसको लाने की विधि क्या है कि काली स्याही जो कांच की बोतल में मिला करती है पहले 100 ग्राम 50 ग्राम वो लो, उसका ढक्कन खोलो, उसके अंदर मुंह देखो, उसको 43 दिन जल प्रवाह कर दो, शनि चंद्र का मेल खत्म हो जाता है। ठीक है, खुश रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव। अब समय हो गया है हमारे दर्शकों से सवाल लेने का। अगर आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। गुरुदेव सर्वप्रथम सत नमन आपको। गुरुदेव मैं धीरेन्द्र ब्लेंसर से हूँ, ब्लेंसर उत्तर प्रदेश से। वैसे तो ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, सरकारी नौकरी है, मकान है, दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, बीवी भी काफी समझदार है, लेकिन काफी लंबे टाइम से घर में एक क्लेश की स्थिति बनी हुई है। डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। एक्चुअली सर मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम है लेकिन टाइम भी फिक्स मालूम नहीं है, बेटे का बता देता हूँ मैं। हाँ, बेटे का बता दो। नाम सौर्य, डेट ऑफ बर्थ 12/10/2017। समय है सर 8:13 PM। कहाँ का जन्म बेटा? सर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। सही कह रहे हो बेटा, बच्चे की कुंडली के अंदर भी राजयोग है जो कि दिखाता है कि घर में परिवार में समृद्धि रहेगी और किसी चीज की कमी नहीं होगी। और इस बच्चे की ही कुंडली के अंदर एक वो भी योग है कि जिसके अंदर कहा गया कि बाप जब तक जिएगा सोने की खान का मालिक होगा, यानी कि उसके पास कोई कमी नहीं होगी। लेकिन चौथे घर के अंदर बैठा हुआ राहु ये कह रहा कि अगर तुम्हारे घर के अंदर चूल्हा जलेगा, बॉनफायर होगा, किसी भी तरह का धुआं उठने वाली आग जलेगी, आग जलाने का कोई धंधा करते हो तो तुम्हारे घर के हालात खराब हो गए। उसके बाद में इसमें कलेश भी आती है, बीमारी भी होती है, पैसा खराब भी होता है। इसके अलावा जब भी तुम्हारे घर में टॉयलेट, बाथरूम, गेट, सीढ़ियां, छत या फर्श कुछ भी रिपेयर करोगे, क्योंकि ये सब राहु होती है, ये जब भी रिपेयर करोगे तुम्हारे घर में कलेश की अवस्था होगी, घर में बीमारी आएगी, किस किस के माहौल बनेंगे और पैसा खराब होने का कोई ना कोई जरिया बनता चला जाएगा। ठीक है, तो अभी भी जो तुम्हारे घर में क्लेश है, जब भी तुम्हारे घर में कुछ रिपेयर होगा ये चीज हो जाएगी, जब भी कुछ रिपेयर होगा ये चीज हो जाएगी। तो तुम्हें करना क्या है इसको मिटाने के लिए? सबसे पहले तुम्हारे घर में उपले, लकड़ी, कोयले से जलाने वाला किसी भी प्रकार की भट्टी चूल्हा कुछ नहीं जलाना। दूसरा तुमने करना बेटा कि 7 बुधवार 400 ग्राम धनिया साबुत मसाले वाला लेकर के उसको जल प्रवाह कर दो। और तीसरा करना, एक चांदी का बड़ा सा बर्तन लो, उसके अंदर शहद भरो, शहद भर के अपने घर की नींव के अंदर दबा दो उसे। जहां नींव में दबाया वहीं से एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होकर के सबके दिमागों को ठंडा और सही रास्ते का बना देगी। ठीक है, और चौथा, जब भी तुम रिपेयर करने लगो अपने घर को तो जब से लेके जब तक करो तब तक हर शनिवार को एक नारियल पूजा वाला थोड़े से साबुत बादाम लेकर के सरसों का तेल लगा करके दान जरूर देना बेटा। अगर ये नहीं दिया तो आगे आगे जब भी मकान बनेगा कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल ये तुम्हारे घर में शुरू हो जाएगा और ये चीज ठीक नहीं। अब बाकी के ग्रह तो सारा अच्छा काम कर रहे हैं, घर में रुपया पैसा समृद्धि कामकाज की बरकत और बड़ों की बरकत ये सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये ग्रह काम कर रहे हैं, इन उपायों को कर दो तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी और घर में सुख शांति भी पूरी करेगी। ठीक है बेटा, सुख देता। इससे पहले आगे बढ़े मकर कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल भी जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत उत्तम है। आज किसी मांगलिक कार्य में जाने की योजना बन सकती है आपकी और आप कुछ नया सीखने का भी प्रयास करेंगे और परिवार का उत्तम सहयोग मिलेगा और मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। बेवजह के वाद विवाद में फंस सकते हैं आप। आपको या परिवार में किसी सदस्यों को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप यात्राओं पे गए जिसका कि योग है तो बेटा अपने पे संयम रख करके चले, रोड के ऊपर लड़ाई होने का भी डर है।
मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। आज आपको परिवार का सुख तो रहेगा, लेकिन किसी भी अपरिचित इंसान के साथ में किसी भी तरह के वार व्यवहार में ज्यादा ना जाए, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। मन अशांत रहेगा, गुस्से की मात्रा अधिक बढ़ सकती है। इससे पहले आगे बढ़े, इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ जयपुर से कविराज सेठी हैं। इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम कविराज सेठी है और जन्म स्थान अलवर, समय 11:30 रात के और जन्म तिथि है 2 जुलाई 1989। मेरा जो सवाल है, मैं आपसे जानना चाह रहा था, वर्तमान में मैंने राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश किया है, अपने जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उनके हिसाब से राजनीति के क्षेत्र में मुझे कहां तक सफलता अर्जित होगी और ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे मुझे राजनीति के क्षेत्र में अधिक से अधिक सफलता मिले। बेटा, इनकी कुंडली के अंदर जो ग्रह योग मैं देख रहा हूं है तो बहुत शानदार। 10वें घर का शनि, इसे क्या कहा जाता है, कहता है जितनी चुस्ती चलाकी तेजी इस्तेमाल करोगे और जितने अपने कामों को सख्ती से अंजाम दोगे और जितना कुर्सी पे बैठ के दूसरों से ऑर्डर देके काम कराओगे, जिंदगी के अंदर उतने ही कामयाब होगे। एक और जन्म कुंडली के अंदर योग होता है जिसे कहा जाता है कि शनि देव 10वें घर में और 6ठे घर में केतु हो तो इंसान खिलाड़ी होता है और वो जो खेल खेलेगा पूरी शिद्दत के साथ खेलेगा और उसमें पूरा कामयाब होगा। और राजनीति, कर्म क्षेत्र, राजनीति के लिए भी सबसे पहले 10वां और 6ठा घर ही देखा जाता है जो पूरी तरह जागृत है इस बच्चे का, तो इसलिए ये राजनीतिक तो बहुत टॉप बन सकता है, इसमें कोई राय नहीं। लेकिन इनके कुंडली के अंदर बुध और बृहस्पति का मेल 3रे घर के अंदर बैठा हुआ, अगर रोज ही नए नए प्लान, रोज ही नए नए प्लान को बदल के दूसरी तरह के प्लान बना के उनको बार बार एग्जीक्यूट करवाने की आदत पड़ गई तो फेल हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी एक बार बननी चाहिए, सबके साथ मिलके बननी चाहिए, जब तक वो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट ना हो जाए तब तक दूसरी नहीं बननी चाहिए, इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर इस चीज को करके चलेंगे तो पूरे कामयाब। तीसरी बात, अगर जिद में आकर के काम करोगे तो कोई काम सफल नहीं होगा। तुम्हारे घर की छत पे जितना भी कबाड़ पड़ा होगा, बरसात में भीगी लकड़ी, कबाड़ या लोहा, कुछ भी, तुम उतने ही ज्यादा फेलियर के चांसेस तुम्हारी लाइफ के अंदर ज्यादा रहेंगे। इसलिए घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा करके रखो और जिद में अड़के कोई काम नहीं करना। और यहां पर शुक्र मंगल को प्रबल करने के लिए, जो कि सच में राजनीति में बहुत बड़ी मदद देते हैं बेटा, इसके लिए अगर हो सके तो हर मंगलवार को अनार मंदिर में चढ़ाया करो, हर मंगलवार को अनार मंदिर में चढ़ाया करो, तो ये तुम्हारी कामयाबी के पूरे हालात खड़े कर देंगे। और घर में जितने कुत्ते होंगे, राजनीति में तुम्हारे कद की ऊंचाई उतनी ही ऊंची होगी। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर कामयाब करेगा। गुरुदेव, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी कई लोग हैं, कई दर्शक हैं जो गुरु मंत्रों को रोज फॉलो करते हैं, देखते हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। उनमें से एक दर्शक है, उनका है आपसे सवाल। उनकी बर्थ डेट ऑफ बर्थ है 23rd of February 1993, समय है रात के 9:15 और जगह है, लोकेशन है गैरतगंज रायसेन, गैरतगंज रायसेन मध्य प्रदेश। सवाल है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रही? प्रोफेशनल लाइफ के लिए तुम्हारी कुंडली होगी कंडीशनल। कैसे? अगर तो तुम्हें जुकाम रहता है या कोई डस्ट एलर्जी वगैरह रहती है तो बेटा तुम्हें ये अभी कामयाब नहीं होने देगा और बार बार तकलीफें आएंगी जीवन में। और अगर इस तरह से है तो तुम्हें हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि जुबान माथे पे लगाना चाहिए। जीवन में कभी भी रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, मोतियों की माला या भरा हुआ ताबीज, ये कभी अपने गले में नहीं धारण करना चाहिए। और तुम्हें चाहिए कि हर बृहस्पतिवार को जाकर के पीपल के ऊपर जल चढ़ाओ, तब जाके अच्छा होगा। तो ये दूसरा, मंगल केतु का मेल 9वें घर के अंदर, ये घर में रहते हुए इंसान को बहुत तकलीफ देता, परिवार के साथ रहते हुए इंसान को कामयाब नहीं होने देता और अपने आसपास का जो माहौल भी होता है वो भी पूरी तरह से नहीं उठने देता, उसके अंदर भी तकलीफ है। तो इसके लिए चांदी के बर्तन में शहद भर के अपने घर की नींव में दबाओ और घर से कहीं दूर जाकर के अपना काम करने की सोचो,
वहां जाकर के तुम अप्लाई करो, वहां जाकर के काम करो, क्योंकि ऐसे बच्चे जितने अकेले रहते हैं वो उतना ही ज्यादा अपने आप को जानते हैं। और अपने उनको अगर पीछे की चिंता नहीं है और घर पे आने की चिंता नहीं है, वो इस काम को इतनी शिद्दत और इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से करते हैं कि उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। इसीलिए परमात्मा ने तुम्हारी कुंडली के अंदर ये डाला कि घर से दूर जाओगे तो बहुत ही कामयाब होगे, तो तुम्हें दूसरा रास्ता ये मिल गया। तीसरा, तुम्हारी कुंडली के अंदर चंद्र शुक्र बुध का मेल एक ऐसा मेल है बेटा जो गृहस्थी, रुपया पैसा, आगे बच्चों के सुख को लेट कर सकता है। तो इसके लिए तुम्हें अपने घर पे काली मछलियों का एक एक्वेरियम रखना चाहिए और रोज रात्रि को अपने हाथ से उनको चारा डालना चाहिए सही मायने में। तो ये 40 हफ्ते लगातार का उपाय होता है रात्रि के वक्त में मछलियों को अपने हाथ से चारा डालना, साथ ही हर रोज 3 के लिए दान देना। और जब भी कोई नया काम स्टार्ट करना तो माँ दुर्गा चालीसा पढ़ के कन्याओं का आशीर्वाद लेकर के नया काम स्टार्ट करना, और जीवन में जितनी बार संभव हो सके तो कन्यादान अपने हाथ से जरूर करें। और सुबह जब उठे तो सबसे पहले गायत्री मंत्र से शुरुआत करो अपने जीवन, गायत्री मंत्र से शुरुआत करो अपने जीवन की बेटा। अगर तुमने ये मेरी सारी बातें माने तो आने वाले समय में बेटा तुम्हारा करियर बहुत बुलंद होगा और तुम बहुत खुशहाल इंसान होंगे, नहीं तो तकलीफें रहेंगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।